आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जेली कैंडी बनाएंगे, बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। देखिए, 2 ग्लास मैंने शुगर ली है, फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखी है, अभी पानी का डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 1 ग्लास, और हम अच्छे से इसको चलाएंगे पहले ताकि शुगर हमारी धीरे धीरे मेल्ट हो जाए। फ्लेम बिल्कुल भी तेज ना रखें शुरू में, वरना वो कैरेमल का टच आ जाएगा इसके अंदर, शुगर एकदम जल जाती है, कलर चेंज हो जाता है, हमें शीरे का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। इसको आप जरूर बनाइएगा, ईद पे बना के रखें, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, इवन बड़े भी शौक से खाते हैं, इसको बहुत अच्छा लगता है टेबल पे रखा हुआ। ये देखें, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। जैसे ही एक उबाल आएगा इसको हम थोड़ी सी फ्लेम जो है हम हाई कर देंगे और हम 4 to 5 मिनट्स तक इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना सिरप जो है, शुगर सिरप जो है हार्ड हो जाएगा। देखिए उबाल आ चुका है हमारा, अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद हम इसको उतार देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। देखें, मैं 1.5 ग्लास पानी का ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अभी फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है और ये मैंने 1/2 ग्लास जो है कॉर्न स्टार्च मैंने ऐड किया है इसके अंदर। इसको हम अच्छे से घोल लेंगे ताकि कोई लम्स ना हो पहले, उसके बाद जो है फ्लेम में हाई करूंगी। देखिए हमारा घुल चुका, अब हम फ्लेम थोड़ी सी बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, बस को कंटिन्यूसली चलाना है आपने, वरना जो है इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे। लम्स बिल्कुल भी ना आए इसके अंदर, इसलिए इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। थोड़ी देर में आप देखिएगा थिक होना शुरू हो जाएगा ये। इसमें ना जेलेटिन यूज होता है ना अगर अगर कुछ यूज नहीं होता, यही कॉर्न स्टार्च जो है यही इसकी थिकनेस लेके आता है और बहुत अच्छा बड़ा मजे का बनता है, बहुत सिंपल सा है ये। आप जरूर लाजमी बनाइएगा, बहुत मजे की लगेंगी, बच्चों को बहुत अच्छी लगेंगी। कलर आपके ऊपर है, आप जिस कलर में चाहें बनाएं। ये देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपका दिल करता है तो इसको आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वीडियो को 3 to 4 मिनट जरूर वॉच किया करें, उसके बाद सब्सक्राइब किया करें। देखिए हमारा थिक होना शुरू हो गया। अब हमने ये जो सिरप निकाल के रखा था, शुगर सिरप बनाया था, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम डायरेक्ट नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर मजीद कोई लम्स ना आए और अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये देखेंगे कि शुगर सिरप इसके अंदर मिक्स होने लगा है, फिर हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। ये देखिए मैं मजीद ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये खुश्क होने लगेगा। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। अब यकीन माने ये 6 to 7 मिनट में ही तैयार हो जाता है और इतना मज़े का बनता है, बहुत सिंपल से बहुत आसान सा ये कैंडी है। ये देखिए मैं धीरे धीरे इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इसके अंदर एक खुद ही ग्लेज टाइप आ जाएगा। इसके अंदर देखिए कितनी शाइन आने लगी है एकदम से। अब ये देखिए इस स्टेज पे मैं बिल्कुल 1 पिंच के करीब जो है मैंने कलर ऐड कर रही हूँ, ब्लू कलर।
कलर आपके ऊपर है, आप जो चाहे कलर यूज कर ले इसके अंदर, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, जो आपका दिल चाहे कर सकते हैं। और कलर बहुत ज़्यादा ना करें ऐड, वरना कलर से फिर बहुत ज़्यादा तेज कलर अच्छा नहीं लगता है। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, और देखें एक भी लम्स नहीं आया, कितना ज़बरदस्त था, इसके अंदर एक शाइन आ गई है। अब क्योंकि हमारा ये बिल्कुल तैयारी पे है, देखिए एक बाउल को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर ले रही हूँ ताकि हमें निकालने में बाद में आसानी हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे, जितनी थिकनेस आपको चाहिए उतना आप इसके अंदर डाल लें। आई थिंक इतना काफ़ी, बहुत ज़्यादा मोटे पीस भी नहीं अच्छे लगते हैं। आप अपने हिसाब से जो जिस तरह से आपको चाहिए, आप जितनी थिकनेस चाहिए हो जितना आपको। ये देखिए मैंने पीसेस काट लिए, एक घंटा मैंने रख दिया था, इसको अच्छे से सेट हो गया। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी शुगर स्प्रिंकल करी है, बहुत ज़बरदस्त लगती है, बिल्कुल समझ लें आप कैंडी का इतना ज़बरदस्त जेली का इसमें टेस्ट आता है, बहुत मज़े की। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। इंस्टाग्राम और टिकटॉक को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।